हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश का न्यू सिलेबस 2025, जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे इंग्लिश का, इसी बेस पे इसी सिलेबस के एक रोडिंग आपका पेपर बनेगा। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपको इंग्लिश में कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से आपको चैप्टर वाइज और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन कौन से सेक्शन से कितने नंबर का आता है, ये जानकारी आपको पहले होना चाहिए। जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं ना बाबू, वो सबसे पहले किसी भी विषय की तैयारी करने से पहले अपना सिलेबस जरूर देखते हैं कि भाई हमें किस किस चैप्टर को कितना, मतलब कि नंबर का है, उस पर ज़्यादा समय लगेगा या कितना समय लगेगा, उसके हिसाब से अपनी तैयारी रणनीति बनाकर करते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको जानकारी होना चाहिए, सिलेबस के बेस पर ही आप अच्छे से मजबूती से तैयारी अपना कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में देख लीजिए इंग्लिश का न्यू सिलेबस जो एनसीईआरटी बेस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ करके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। और देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंग्लिश का सेक्शन वाइज जो सिलेबस है, एक एक को हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले बाबू देखिए, इंग्लिश का जो आपका आएगा ये सिलेबस सेक्शन वाइज होगा। सेक्शन का मतलब जैसे सेक्शन ए आएगा, इसके बाद सेक्शन बी आएगा, इसके ठीक बाद सेक्शन यहाँ पे सी आएगा, इसके बाद ठीक सेक्शन डी आएगा। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले सेक्शन जो ए आएगा बाबू, ये रीडिंग से होता है। किससे होता है? रीडिंग। इसका मतलब क्या है? रीडिंग का मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसमें क्वेश्चन पूछेगा और तब उसका आंसर देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो सेक्शन ए आएगा ये रीडिंग से आएगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन, किस टाइप से पूछेगा? यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय फोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड यहाँ पे देखिए थ्री वोकैबुलरी क्वेश्चंस। यानी कि कह रहा है इसमें देखिए कि वन लॉन्ग पैसेज, आपको एक पैसेज दिया जाएगा लंबा सा, ठीक है ना, एक पैसेज दिया जाएगा। जैसे कि आप पैसेज पढ़ते हैं अनसीन के रूप में, इंग्लिश में पैसेज रहेगा और उसमें चार क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी किस टाइप से, शॉर्ट टाइप। शॉर्ट का मतलब कि अति लघुतरी, मतलब छोटा छोटा प्रश्न पूछेगा, चार प्रश्न पूछेगा शॉर्ट टाइप से। और उसके बाद एंड, एंड मतलब और, यहाँ पे थ्री, थ्री मतलब कि तीन वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि जैसे एंटोनिम पूछ देगा या सिनोनिम पूछ देगा, इसमें इस तरीके से तीन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये देखिए तीन तीन नंबर के पांच प्रश्न रहेंगे, तो तीन गुणे पांच करेंगे तो कितने नंबर का, 15 नंबर का, केवल सेक्शन ए से आएगा, जो कि पैसेज दिया जाएगा और पैसेज में ही प्रश्न पूछा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको 15 नंबर मिलेगा, ठीक है ना, ये सिलेबस में रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ बाबू। सेक्शन जो बी आप देख रहे हैं ना, ये राइटिंग है। यहाँ पे आपने पढ़ा था ये रीडिंग था, बट यहाँ पे सेक्शन जो बी स्टार्ट हो रहा है ये आपका है क्या बाबू, ये है आपका सेक्शन बी राइटिंग से। अब इसको कैसे पढ़ना है, अब इसको ध्यान समझिए, एक एक चीज हम आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये दो नंबर प्रश्न पे आता है, यानी कि पेपर की बात करूं, पेपर में दो नंबर पे आता है। और यहाँ पे देखिए आर्टिकल आता है, क्या आता है बाबू, आर्टिकल। जैसे कि पहले की अगर बात करूं, दो चार पांच साल पहले इसके जगह पे ऐसे आता था, क्या आता था, ऐसे, और उसी को चेंज करके अब इसको आर्टिकल दे दिया है। तो आर्टिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि किस टाइप से, आर्टिकल में डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे आर्ग्यूमेटिव भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऑटोबायोग्राफिकल भी लिख सकते हैं। यानी कि आर्टिकल थ्री टाइप्स का होता है, यानी कि आर्टिकल जो होता है तीन तरह का होता है, एक डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल होता है, दूसरा जो होता है ऑटो यानी कि आर्ग्यूमेटिव होता है, इसके बाद ऑटोबायोग्राफिकल होता है। तो आप तीनों में से दो को अच्छे से अगर पढ़ लेंगे ना, तो एकदम अच्छा नंबर लाएंगे। देखिए आर्टिकल जो आपका आता है ये कितने, मतलब कि 100 शब्द से लेके 150 शब्द में, यानी कि 100 से 150 शब्द की अंडर में लिखना होता है वर्ड्स में, और ये 10 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। तो आपको आर्टिकल भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे नंबर सेक्शन बी में ही तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा जाएगा लेटर टू द एडिटर, यहाँ पे देखिए कंप्लेंट लेटर, इसके बाद बिजनेस लेटर, यानी कि आपको पेपर में लेटर भी पूछा जाएगा, लेटर लिखने के लिए भी पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लेटर में किस तरीके का, मतलब कि मेन मेन जो होता है ना, द एडिटर पे, पेपर में द एडिटर पर पूछा जाएगा बाबू, 100% सिक्योर बोल रहा हूँ कि लेटर आप याद करिएगा तो
तो द एडिटर पे याद कर लीजिएगा, किस पे, द एडिटर पे, इसके बाद कंप्लेंट लेटर, मात्र दो पर ही बेस्ट तरीके से अच्छे से पढ़ लेना, द द एडिटर पे और द कंप्लेंट लेटर, इस पे दोनों पे अगर बेस्ट तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ पे 10 नंबर की तैयारी हो जाएगी। इस तरीके से आपका सेक्शन बी में आएगा कितने नंबर का, यहाँ पे 10 नंबर का आएगा, आर्टिकल लिखेंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा, इसके बाद जब लेटर लिखेंगे तो फिर 10 नंबर, यानी कि 10 प्लस 10 केवल सेक्शन बी से 20 नंबर की तैयारी हो जाएगी, और सेक्शन ए से 15 नंबर। इस तरीके से आपका सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे सेक्शन सी, सेक्शन जो सी आता है बाबू ये ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन सी यहाँ से ग्रामर स्टार्ट होता है, आपका ग्रामर का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, और ग्रामर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, कैसे तैयार करना है, एक एक चीज पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा, पेपर में जो 4 नंबर क्वेश्चन आएगा यहीं से सेक्शन सी से स्टार्ट होगा और ग्रामर से स्टार्ट होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 10 क्वेश्चन यानी कि 10 प्रश्न MCQ यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन के बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना, 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो एंड वेरी शॉर्ट, एंड वेरी शॉर्ट का मतलब बहुत ही छोटा में, आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि प्रश्न का प्रश्न दिया रहेगा उसको आंसर देना होगा, बेस्ड ऑन नरेशन यानी कि नरेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से एक एक करना होता है, ठीक है, इसके बाद सिंथेसिस करना होगा, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, इसके बाद सेंटेक्स पढ़ना होगा आपको, इसके बाद आइडोम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस एंड फ्रेजवल वर्ड्स पढ़ना होगा, ये इसमें से एक एक करके पूछता है, ठीक है ना, इसके बाद सिनोनिम्स पूछेगा, इसके बाद एंटोनिम्स पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, इसके बाद होमोफोन्स, तो ये 10 प्रश्न पूछा जाएगा, केवल 4 नंबर प्रश्न में 10 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा, और एक लाइन में नरेशन भी इसका आंसर देना होगा एक एक क्वेश्चन का। इस तरीके से आपका ये सिलेबस है ग्रामर का। इसके बाद एक और 5 नंबर क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन सी में ही पूछा जाएगा, देखिए कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, आप देखिए बाबू आपको एक ट्रांसलेशन दिया जाएगा, ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी में, ठीक है ना, उसको चेंज करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, ये 7 से लेकर 8 लाइन यानी कि 7 से 8 सेंटेंसेस में उसको चेंज करना है, 5 नंबर का ये हो जाएगा। इस तरीके से ये टोटल जो आपका एमसीक्यू और ये मतलब सेक्शन जो सी होगा ये 25 नंबर का केवल इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेक्शन सी है, ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसके बाद जो आपका सेक्शन डी होगा वो आपको लिटरेचर से पूछा जाएगा। लिटरेचर का मतलब आप समझते हैं कि तीनों किताब मिला के, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर, ये देख सकते हैं सेक्शन जो डी है लिटरेचर से, ये बाबू आपको 40 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, जो सेक्शन डी है लिटरेचर तीनों किताब मिलकर के उसमें से 40 नंबर का पूछा जाता है, जैसे कि फ्लेमिंगो बुक से यानी टेक्स्ट बुक जो है आपका, इससे प्रोज से, प्रोज में से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि टू शॉर्ट यानी कि दो अति लघु एंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि टू शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो अति लघुतरी प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके बाद जो कि ये 4-4 नंबर के रहेंगे, यानी कि दो मिलकर के 4-4 यानी कि 8 नंबर की केवल आपका शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद प्रोज से ही वन लॉन्ग एंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, यानी कि एक दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 7 नंबर का रहेगा, कितने नंबर का, 7 नंबर का ये रहेगा, केवल आपको 8-7-15 नंबर का प्रोज से आएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पोएट्री, पोएट्री से आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 3 वेरी शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि स्ट्रेंजर दिया जाएगा आपको, एक स्ट्रेंजर दिया जाएगा और उसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही छोटे छोटे होंगे, अति लघुतरी प्रश्न जो कि सेंट्रल आइडिया में से आपको दिया जाएगा, यानी कि सेंट्रल आइडिया जो होगा ना ये पोयम के बेस पर दिया जाएगा। तो ये प्रोज हो गया, ये पोएट्री हो गया। इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर बुक से भी आपको सेम ऐसे ही पूछा जाएगा, जैसे कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन, 2 सप्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्री रीडर बुक से 2 शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 8 नंबर के, एक वन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 7 नंबर का पूछा जाएगा, यानी 8-7-15 नंबर का आपको सप्लीमेंट्री रीडर बुक से भी पूछा जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहां पे जो आपका प्रोज है, प्रोज में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं,
पोएट्री में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, सप्लीमेंट्री में कितने पढ़ने हैं देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रोज में टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा प्रोज का, द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन ये है आपका, इसमें द लास्ट लेसन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर को। इसके बाद दूसरा जो आपका चैप्टर होगा बाबू, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो है आपका तीसरा जो है डीप वाटर, क्या है तीसरा नंबर आपका डीप वाटर है, डीप वाटर तीसरा चैप्टर है। इसके बाद चौथा जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं द रैट रैप, द रेड रेप वालों को पढ़ना है। इसके ठीक बाद यहाँ पे 5 नंबर जो आप चैप्टर देख रहे हैं इंडिगो, इंडिगो वाला चैप्टर को पढ़ना है। इसके बाद 6 नंबर जो आप देख पा रहे हैं पोयर्स एंड पैंकेस, इसके बारे में पढ़ना है 5 नंबर चैप्टर में, ठीक है ना। इसके बाद 7 नंबर जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं द इंटरव्यू पार्ट 1, इसके बाद एंड पार्ट 2, यानी कि द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये 7th नंबर चैप्टर आपका होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इसके बारे में यानी कि जो आपका प्रोज का बुक है इसमें टोटल आपके 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर को पढ़ना होगा अच्छे से पढ़ेंगे। 15 नंबर की तैयारी, 1 शॉर्ट यानी कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, अच्छे से इसको पढ़ लेना। इसके बाद आप देख पा रहे हैं पोएट्री, पोएट्री को भी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए इसमें से कैसे तैयारी करना है, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है माई मदर एट 66, क्या है माई मदर एट 66 इसको पढ़ना है। इसके बाद दूसरा नंबर देख पा रहे हैं कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट वालों को पढ़ना है। इसके बाद तीसरा जो आप देख रहे हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को पढ़ना है। इसके बाद फोर्थ नंबर जो आप देख रहे हैं बाबू, ये फोर्थ नंबर ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड वाला चैप्टर को पढ़ना है। इसके बाद 5 नंबर जो देख पा रहे हैं आंट जोनिफियर्स टाइगर्स, यानी कि टोटल 5 चैप्टर केवल पोएट्री से पढ़ना है। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने बताया ना, इस पोएट्री से एक स्टेंजा दिया जाएगा, स्टेंजा में एक आपको 3 प्रश्न रहेंगे छोटा छोटा सा, और उस स्टेंजा को सॉल्व करना है, 3-3 नंबर 6 नंबर का रहेगा। इसके बाद एक आपको सेंट्रल आइडिया पोयम का, किसी भी पोयम का एक सेंट्रल आइडिया याद करना है, बस 2 क्वेश्चन इसमें से पोएट्री से पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर, यहाँ पे विस्टा जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक आप देख पा रहे हैं इसमें से केवल आपको चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ तक, यानी कि 6 चैप्टर हैं। यहाँ पे देखिए द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल वाला चैप्टर जो है इसको पढ़ेंगे, इसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये द थर्ड लेवल चैप्टर है ये पहला। दूसरा देखिए द टाइगर किंग्स, द टाइगर किंग्स वालों को पढ़ना है। इसके बाद तीसरा जो आप देख रहे हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये तीसरा के बाद यहाँ पे चौथा देखिए ध्यान से क्या है द इनेमी, चौथा नंबर जो चैप्टर आपका क्या है बाबू द इनेमी है। इसके बाद 5 नंबर जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं ऑन द फेस ऑफ ईट, ऑन द फेस ऑफ ईट को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर देख रहे हैं मेमोराइज ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि आपके जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टा वाली बुक है इसमें केवल आपके 6 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि ये आपके पूरे सिलेबस का सेक्शन डी का प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का ऑल चैप्टर्स हैं। इसी में से आपको पढ़ करके इंग्लिश में 100 में आपको 98 लेके आना है, यानी कि टोटल जो आपको कितना अचीव करना है 98 100 में से। इसलिए कह रहे हैं कि सिलेबस जानेंगे ना भाई कि किस बुक में कितने चैप्टर हैं, कितना हमें टाइम एफर्ट देना पड़ेगा उस, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना काफ़ी मतलब कि होल्ड करके और आपको तैयारी करना पड़ता है, 7-8 महीने का टाइम होता है, इसमें आपको एक एक चैप्टर पे बेस और मजबूती के साथ तैयारी करना होता है। इसलिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना है, और टेलीग्राम पे मैं इसका पूरा जो है एक एक का सलूशन डाल देता हूँ चैप्टर वाइज। टेलीग्राम पे नोट्स भी दिया जाएगा, डीके सर क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं देखिए लिख देता हूँ डीके सर क्लासेस जो है आपको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ये चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नोट्स फ्री में, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।